निशा रावल और रोहित सेठिया के बीच में अफेयर है। करण मेहरा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई ऐसे खुलासे किए थे जिसके बाद ये सवाल उठ रहा था कि रोहित सेठिया और निशा क्या आपस में एक दूसरे को चाहते हैं या इन दोनों के अफेयर ही जो है शादी टूटने की वजह बना है। लेकिन अब जो है एक आई विटनेस सामने आया है और उसने एक बहुत बड़ी बात कही है। उसने कहा कि हाल ही में एक पार्टी हुई थी जिसमें वंदना संजानी भी मौजूद थी। मैं आपको बता दूं कि वंदना संजानी जो है राजेश खट्टर, ईशान खट्टर जो है उनके पिता जो है उनकी वाइफ है, और राजेश खट्टर जो है वो रोहित के कजिन भी हैं। तो सोर्स ने बताया कि हाल ही में एक पार्टी हुई थी और उस पार्टी में रोहित और निशा जिस तरीके से एंटर हुए और जिस तरीके से वो पूरी पार्टी में एक साथ थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है उस ओकेजन में यानी कि उस पार्टी में ये बताती है कि ये दोनों कपल थे। तो पार्टी में जिस आई विटनेस ने देखा उसने ये भी बताया कि उस पार्टी में वंदना संजनानी भी मौजूद थी। तो दो दिन पहले निशा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनसे जब इस बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करती हूँ, अब ये करण का जो है लेना देना इसमें कुछ भी नहीं है, ये मेरा पर्सनल स्पेस है, अगर अब हम अलग ही हो गए हैं भले ही ऑफिशियली ना हुए हों तो अब हम अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करते हैं इससे किसी को लेना देना नहीं होना चाहिए। वहीं करण ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है बहुत सारे दावे किए थे और कहा था कि मुंह बोले भाई, जिसने कन्यादान किया उसी के साथ जो है वो डेट कर रही है। वहीं जब करण के अफेयर पर पूछा गया तो निशा ने कहा कि बिल्कुल करण का अफेयर है, पर मैं किसी लड़की को इस तरह की सिचुएशन में नहीं डालना चाहती, मैं खुद एक औरत हूँ, मैं नहीं चाहती कि किसी और औरत की मैं इस तरह से आइडेंटिटी रिवील करूँ। और उन्होंने करण का जिसके साथ अफेयर है उसका नाम नहीं बताया था। लेकिन अब जो राजू, जो निशा के अफेयर की बात आ रही है रोहित के साथ, उसको लेकर अब एक सोर्स आगे आया है और टाइम्स ऑफ इंडिया को उसने इंटरव्यू दिया जिसमें उसने बताया कि यस, एक ऐसी पार्टी हुई थी जिसमें ये दोनों आए थे और इन दोनों को देखकर ये लगता था कि मानो ये दोनों कपल हों।